क्या सीएनजी भी शतक मारने वाली है? भाजपा से बेहतर तो सूखा नारियल होता है, कम से कम कुछ काम तो बन जाता है। भाजपा सरकार ने देश को पिछले 7 साल के राज में ये बता दिया कि शासन करना उनके बस की बात नहीं है। पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतों में लगातार उछाल आने से जनता की जेबें एकदम खाली हो चुकी हैं। लेकिन इतना सब होने के बाद भी भाजपा सरकार और उनके आलसी कुपड़ मंत्री कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं और कांग्रेस को कोस रहे हैं। भाजपा के दाम बढ़ाने के पैटर्न को समझें तो समझ आएगा कि पेट्रोल, डीजल, एलपीजी की कीमतें बढ़ने के बाद अगला नंबर सीएनजी का है। डीजल को भी सस्ते ईंधन के रूप में बाजार में उतारा गया था, लेकिन बाद में उसकी कीमतें आसमान से ऊपर पहुंचा दी गईं और भाजपा यही प्लान सीएनजी के साथ भी अपनाने वाली है। 6 सितंबर 2021 के मुताबिक सीएनजी की कीमत प्रति किलोग्राम दिल्ली में 43 रुपए थी, लेकिन इसके दामों में भी लगातार वृद्धि की जाती रही है। अगर यही हाल रहा तो आने वाले दिनों में सीएनजी को भी 100 रुपए से ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश का भी यही हाल है, वहां भी सीएनजी के दामों में उछाल देखने को मिला है। पहले जहां सीएनजी की कीमत 49.08 रुपए प्रति किलोग्राम थी, उसे 49.98 रुपए प्रति किलोग्राम कर दिया गया। मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि जिस प्रकार उन्होंने पेट्रोल डीजल को महंगा करके लगातार नोट कमाए हैं और अपनी और मोदी के मित्रों की जेबें भरी हैं, उसी तरह से अब उनकी नजर सीएनजी को महंगा करके नोट कमाने की है और आम जनता को गरीब बना देने की है। ऐसा लगता है नरेंद्र मोदी सरकार आम जनता को इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां खरीदने को मजबूर करना चाहती है, जिससे कि मोदी के मित्रों की दुकान चलती रहे। और इधर सीएनजी के रेट बढ़ाकर दोनों ओर से मोदी मक्खन में अपने हाथ रखना चाहते हैं। मोदी जी, याद रखना, सत्ता हमेशा के लिए नहीं होती।